डॉक्टर सुनील करवे जी के सानिध्य में साई बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। शरण में ले लो साईं प्रभो, नमस्कार। साई वाणी में आप सबका स्वागत। मेरे प्रिय आत्मा, पहले तो मैं आज बहुत आपका सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रारंभ करो और जारी रखो इसी विचारधारा के प्रति साई वाणी को प्रारंभ हुआ, और 3 मई 2023 से लेके आज तक बिना रुके बिना थके साई वाणी का जो कार्य है वो बढ़ता ही जा रहा है, और पूरे विश्व से लोग जुड़ रहे हैं। मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर तक लोगों ने हमारे साथ जुड़ने का प्रयास किया और लोग जुड़े। अभी उसका जो अगला कदम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हम आना चाहते हैं साईं बाबा के आपके आश्रम में, आपके आंगन में हम आना चाहते हैं। मैं सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ। 15 अगस्त 2023 को साईं बाबा के आंगन में आप आ सकते हो। तब तक हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरा काम कंप्लीट हो जाए और आप आके वहाँ ध्यान करें और बाबा के विचार सुन के अपने जीवन में क्रांति करें। लेकिन उसके पहले मेरा एक आपसे निवेदन है, आप जिस भी शहर में हो उस शहर में आप एक साईं वाणी का सेंटर, और हम अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप 25 तारीख से 25 जुलाई 2023 से लॉन्च कर रहे हैं, और वो है साईं वाणी ग्रुप, जिसमें मुझे कम से कम 3000 लोग अभी उस ग्रुप में, मैं हर एरिया से देखो 91 लाख लोग तो अभी ऐप्स तक जुड़ चुके हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि सिर्फ सुने और कोई ना करे। मैं वो साधक चाहता हूँ जो हर दिन मेडिटेशन करे, हर दिन साई ध्यान करे, क्योंकि साई क्रिया और साई ध्यान ही जीवन में बदलाव ला सकती है। कहानियाँ तो मैं यूँ कहता हूँ कि आप सुन के उसको एक अपने मन को प्रसन्नित करें, और उसके बाद साईं बाबा ने जो कहा, सबका मालिक एक, मानवता ही धर्म है, और प्रारंभ करो और जारी रखो, यही विचारधारा हमारी सबकी महत्वपूर्ण विचारधारा है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, और वो संकल्प है आज से सब प्रारंभ करें कि हम एक नए अध्याय को शुरुआत करें, और वो है साईं महिमा। बहुत सारे लोगों को अपने अपने जीवन में बाबा की तपश्चर्या करने के बाद अनुभव आते हैं, और मैं मेरा व्यक्तिशः अनुभव आज आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। इसके पहले मैं छोटी सी कहानी से कहूँ, ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और इतिहास में अजरामर हुई कहानी है, वो है भगवान कृष्ण और संत मीरा की कहानी। संत मीरा ने भगवान कृष्ण के प्रति जो लगाव रखा, जो प्यार रखा, जो भावना रखी, जो समर्पण रखा, जो विश्वास रखा, वो अपने भगवान के ऊपर का एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अगर पूरे विश्व में कोई है तो भगवान कृष्ण और संत मीरा का है। क्योंकि संत मीरा कोई मामूली घर की महिला नहीं थी, वो एक राजघराने की महिला थी राजस्थान की, और जब उनकी शादी हुई तो उनको काफी भक्त, कृष्ण भक्ति देख के उनके पति ने उनको काफी तकलीफ दी, और फिर भी मीरा ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी,
संत मीरा के बारे में तो मैं सच में शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी भक्ति की परिसीमा निस्सीम भक्ति, हम भी साईं बाबा के जप करते हैं तो बाबा अपने जीवन में वो आशीर्वाद हमें देते हैं कि जिसके हमें ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हम मजबूत बने, हम चाहते हैं कि हम शक्तिशाली बने, और यही शक्तिशाली प्राणायाम और ध्यान से आती है, साई क्रिया और बाद में साई ध्यान। देखो साई क्रिया और साई ध्यान एक जुड़ से जुड़े हुए चीज़ें हैं, आप ऐसा अलग अलग नहीं कर सकते उसको। परसों मेरी एक बहन मुझे फ़ोन करके कह रही थी कि गुरुजी जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है कि आप सीधा हमसे बात कर रहे हो। हाँ हाँ बहन, ये बात बहुत सही है कि मैं सीधा आपसे जुड़ा हूँ, क्योंकि क्योंकि आपका विश्व ही मेरा विश्व है, आपकी समस्या ही मेरी समस्या है, और उस समस्या को मैं अभी बाबा के आशीर्वाद से दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए भक्तिमय वातावरण से, शक्तिमय वातावरण से सुबह का एक घंटा 60 मिनट आपकी जीवन को क्रांतिमय, 60 मिनट इसलिए कहना चाहता हूँ कि 20 मिनट साई वाणी सुनो और 40 मिनट में 20 मिनट साई क्रिया करो और 20 मिनट साई ध्यान करो, बस जीवन बदल जाएगा। और उसी समय बाबा आशीर्वाद देके आपके जीवन में क्रांति करेंगे। और उस समय क्या हुआ, जब बहुत बार मीरा का चरित्र अगर आप पढ़ोगे तो राणा जी तो उनके पति नहीं थे, वो तो उनकी हत्या हो चुकी थी, वो गुजर गए थे, बट उनके जो देवर थे वो मीरा का ये देखते हैं कि हमारी बड़ी भाभी माँ समान होती है, वो इतनी कृष्ण भक्ति में लीन हो रही है, संकीर्तन कर रही है, नाच रही है, गा रही है, मीरा के भजन सुनो आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब कोई चीज दिल से छू जाती है ना तो जीवन में क्रांति होती है, और जब तक चीज किसी दिल को नहीं छूती उस समय क्रांति नहीं होगी। पूरा नहीं डूबोगे कभी कुछ नहीं पाओगे, यही बात को मैं कहना चाहता हूं। फिर मीरा सोचती है कि राणा जी को तो तकलीफ हो रही है मेरी वजह से, मैं तो इस घर की बहू हूँ और बड़ी बहू हूँ, वो भी मैं, मेरे पति नहीं है, तो मैं ऐसे ही इतनी संकीर्तन मैं करूँगी, मैं नाचूंगी गाऊंगी भजन करूंगी तो शायद परिवार की बदनामी होगी। मीरा जी तो बहुत बहुत सबके बारे में सोचते थे, वो चलती मैं जाती हूँ मेरे प्यारे के पास, मैं जाती हूँ मेरे भगवान के पास मथुरा में, और वो मथुरा चली गई। वहाँ भी उनको तकलीफ हुई, फिर वो वृंदावन चली गई। देखिए कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे कहानी काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन उसका अर्थ अगर जानोगे, भक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि भक्ति के बारे में लोग कहेंगे कि ये भक्ति होती है। हम एक दिन भगवान को नमस्कार करते और दूसरे दिन कहते प्रसन्न हुए कि नहीं, अगर भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न होते तो भगवान का भी कुछ अर्थ नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए, कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। अपना अंधेरा झटने का काम जीवन का है वो भक्ति में है, वो श्रद्धा में है, वो क्रिया में है, वो ध्यान में है, और यही तो जीवन है। इस जीवन को हमें आत्मसात करना है भाई बहनों, और वो है जीवन। वृंदावन में कृष्ण भगवान के मंदिर में मीरा नाचती हुई भजन गाती हुई संत मीरा जाने लगे, तो वहां के पहरेदारों ने उनको, कि उस मंदिर में और सिर्फ पुरुषों को प्रवेश था, महिलाओं को प्रवेश नहीं था, वहां के कुछ रीति रिवाज थे, आज वैसा कुछ नहीं रहा। शबरीमाला का भी अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, भगवान महाराष्ट्र के भी एक शनिदेव भगवान है, उनके बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन अभी वो वैसा कुछ नहीं रहा है। बहुत सारी चीजें अभी बहुत ओपन चीजें हो चुकी है, बहुत बदलाव आया है, बहुत क्रांति आई है, लेकिन एक बात आप सुन लीजिएगा, ये क्रांति तभी आती है जब विचारों की क्रांति हो जाती है। और इसलिए मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, उस समय भगवान मीरा को, बाद में तो भगवान ही हुए, आज भी लोग संत मीरा को भगवान मान के पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति के, उन्होंने श्रद्धा के साथ अपने भगवान को पूरा समर्पण दिया। उस समय मेरा संत मेरा जवान जाने लगे तो पहरेदार ने भी देखा उनका भजन और उनका नृत्य देख के, वो भी मंत्रमुग्ध हो गए और भूल गए कि मीरा एक महिला है, उनके तो समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंची तो पंडित वहां अंदर पूजा करते, और वो पंडित कभी बाहर नहीं जाते थे, अपने उस भगवान के जो
मुख्य गाभारा होता है, जो उनका रूम होता है, उस जो भगवान जहां होते हैं वहां वही रूम में सिर्फ और सिर्फ गाभारा बोलते उसको, उसी मेन चीज पे, वो जगह पे सिर्फ और सिर्फ मुख्य पुजारी होते हैं। अब तो जानते हैं पुजारी तो वही पूजा अर्चा करते हैं, और उस समय पुजारी ने देखा मेरा संत मीरा आ गई, तो कहते हैं आप अंदर कैसे आ गई, आपको कैसे पहरेदारों ने छोड़ा, कैसे छोड़ा आपको, क्योंकि यहां तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष लोगों को प्रवेश है, आप आई कैसे अंदर। तो मीरा ने नृत्य करते हुए कहा, पुरुष मैं तो सिर्फ भगवान को ही पुरुष मानती हूं, आप भी आपको पुरुष समझते हैं, मुझे तो लगता है सिर्फ कृष्ण भगवान ही पूर्ण पुरुष है, बाकी तो सब महिलाएं हैं। फिर उस पुजारी को आंख एकदम खुल जाती है और वो संत मीरा का रूप देखे, विराट रूप देखे उनको नतमस्तक हो जाता है। कहानी यहां तक सुनी होगी बहुत सारे भक्तों ने, लेकिन आप अगली कहानी सुनिएगा। ये अगली कहानी जो है ना, ये आपकी और हमारी कहानी है, विचारों की कहानी, दृढ़ता की कहानी, संपन्नता की कहानी है। और कौन सी कहानी, फिर उस समय बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बात आप ठीक से समझ लीजिएगा। उस समय संत मीरा सोचती है, और वहां के जो राणा जो थे उनके देवर, उनका बेटा भी गद्दी पे आया था, और उसको पता था कि बहुत महान कार्य संत मीरा ने भक्ति किए, पूरे विश्व में उनका नाम प्रचलित हुआ है। और जब आप तो जानते हैं जब नाम होता है तो हर कोई पीछे लगता है, उनको लगा कि संत मीरा जी को फिर अपने राज्य में राजस्थान में बुलाया जाए, उनको सम्मान किया जाए, ऐसे एक राजघराने की महिला इधर उधर मंदिर में रहे अच्छी बात नहीं है। फिर वो सोचते हैं ये कैसे हो मुमकिन है, फिर वो कुछ उनके सिपाहियों को पहरेकरों को सेनापति को भेज देते और कहते आप आइए माता जी को वापस लेके आइए। वो जाते हैं, सेनापति जी पहुंचने के बाद बहुत ही अद्भुत घटना होती है। संत मीरा कहती है अभी यही तो मेरा मंदिर है, मैं नहीं आऊंगी। कहानी आप ठीक से समझिएगा। फिर वो सेनापति जी वापस चले आते, फिर तो राजा ठानी लेता है कि नहीं माता जी को तो अपने राज्य में बुलाएंगे, क्योंकि वो राजघराने की माता है। फिर निमंत्रण देने के बाद फिर से 100 लोगों को भेजा जाता है, और उनको कहा जाता है जब तक माता जी नहीं आएंगे आप वही बैठ के आयोजन करना, माता जी जरूर आएंगे आपके साथ, लेकिन आप दिल से उनको बुलाना। कहानी ठीक से सुनिएगा। 100 लोग महिला पुरुष सब जाते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं संत मीरा जी को, और कहते हैं माता जी हमसे गलती हुई कि जब आप हमारा राज्य छोड़ के चले आई तब तो आपकी भक्ति के बारे में हम इतने अनुग्रहित नहीं थे, अभी आपकी भक्ति हमें हम समझ चुके हैं, आप चलिए वापस, हमसे गलती हुई हमें माफ करिएगा। संत मीरा हंसती और कहती आपने कुछ गलती नहीं की, लेकिन वो लोग फिर मानते नहीं और अनशन पे बैठ जाते हैं, कहते जब तक आप हमारे साथ नहीं आओगी हम खाना पानी सब कुछ त्याग देंगे। फिर दूसरे दिन संत मीरा जी सोचती है और कहती है आप ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी आप इतनी जिद कर रहे हो तो मैं एक बार मंदिर में अंदर जाके भगवान कृष्ण की अनुमति लेती हूँ और फिर आपके साथ चले आती हूँ। और वो भगवान कृष्ण की अनुमति लेने के बाद मुख्य दरबार में, मुख्य गाभारे में संत मीरा जी जाते हैं और बोलते हैं कि उसके बाद वो वापस कभी दिखे नहीं, वो बाहर आए नहीं, वो कृष्ण की मूर्ति में सम्मिलित हो गए, वो कृष्ण की मूर्ति में सम्मिलित हो गए, कृष्ण और भगवान मीरा एक हो गए। अपनी भक्ति भी साईं बाबा के प्रति इस तरह से होनी चाहिए कि बाबा की श्रद्धा, बाबा ने दिया हुआ विचार, उनके आदर्श, उनके निजी जीवन की सभी कहानियां को लेके अगर हम चलने का प्रयास करेंगे ना तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ वो आए और आकर कह गए, मौन रहे और कुछ कह गए, कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, क्या था वो? वो था साई ध्यान, लेकिन उसके पहले साई क्रिया, और उसको अभी प्रारंभ करना है। साई क्रिया को प्रारंभ मतलब प्राणायाम, आप मेरे साथ जुड़े और प्राणायाम को प्रारंभ करें, शांति से प्रारंभ करें। प्राणायाम की शक्ति आपके अंदर की शक्ति है, क्योंकि जब तक आप कपालभाति एक्सरसाइज करोगे तब तक सांस को अंदर लेना और झटके से बाहर छोड़ने से पूरी निगेटिव शक्ति, पूरी एनर्जी
निगेटिव एनर्जी बाहर जाके पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ जाती है, और वो जब हवा दिल को खुश कर देती है, मन को खुश कर देती है, उसके बाद भ्रामरी, भ्रामरी के बाद अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, और उसके बाद उज्जयी प्राणायाम। उसके बाद आप करोगे ऊर्जा के लिए, क्योंकि सुबह का मन तो बहुत प्रसन्न मन होता है, और जब आप ऊर्जा के लिए ये सब प्राणायाम करोगे, उसके बाद ऐसा ऐसा आप ध्यान को प्राप्त हो जाओगे। ध्यान एक दिन में प्राप्त नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर प्राप्त हो जाता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी करके साई ध्यान करते समय सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज आप सुन रहे हो और आप साई और ध्यान को प्रारंभ कर रहे हो। गहरी सांस लेके आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा की तरफ शक्ति को बह रहे हो, और वही ऊर्जा मूलाधार से लेके सहस्राधार तक, सेवन चक्रास तक जाएगी। आपके जीवन में क्रांति और बदलाव आएगा। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। इसलिए जो भी महान संत हुए, उन्होंने ध्यान को रास्ता अपनाया। अंतर ध्यान की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, और ये साई ध्यान का वर्ग शुरू हुआ है। ये साई ध्यान का वर्ग है, साई के माध्यम से जीवन में क्रांति लाना, बदलाव लाना, और अपने जीवन में एक बड़ी क्रांति करना। मैं कहना चाहता हूं फिर से, आज जो साई ध्यान का प्रारंभ आप कर रहे हो, उसको शांति के साथ करें और एकदम प्रसन्नता के साथ करें, क्योंकि आप मेडिटेशन से जुड़ रहे हो और आप अपनी शक्ति को ऊपर की तरफ बह रहे हो। ये ऊपर की तरफ बहने वाली शक्ति है अपने जीवन की क्रांति करने वाली शक्ति। यही शक्ति आप ऊपर उठा रहे हो, और उठाते उठाते आप अपने दाएं और बाएं पैर पर ध्यान देके सीधा ऊपर जा रहे हो। अपनी शक्ति को अपने हृदय तक लेके आ रहे हो, और उसके बाद अपने कंठस्थ के पास रुका रहे हो। आप फील कर रहे हो उस ऊर्जा को कि मूलाधार से लेके सहस्राधार की तरफ ऊर्जा बह रही है, और उसी के माध्यम से अपने जीवन में स्थिरता आ रही है। क्योंकि मन में एक भी विचार ना आना, और मन को विचारों में रोकना, इसी का मतलब है साई ध्यान। ये प्रसन्नता है, और इसके आगे आप जो देख रहे हो वो साई ध्यान की क्रिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रसन्नता के साथ पूरा ध्यान आपके दोनों आंखों के बीच जो केंद्र है उसके ऊपर ला रहे हो, और इसी